लोगों अपने समाज में एक लव मैरिज की बीमारी चल रही है, या लव मैरिज की बीमारी एक मिनट में बढ़िया खानदानी आदमी चौधरी आदमी की इज्जत ने एक मिनट में बट्टी मिला दे है। तो इससे के ऊपर मारा गांव में बनी थी यह बात, दसवीं क्लास में था आज तक 11 साल पहले यार अग्नि लिखी थी लोगों के। एक बूढ़ा एक जमींदार खेती का सामान खाद बीज लेने के लिए शहर में चला जाता है, वो दुकानदार ना रहा था लोगों। जब तक वो बूढ़ा दुकानदार नहीं आवे वो बाजार में घूम चला गया। उसका कतिशय में थाना था, थाना में एक पंचायत वाली लोगो, और बड़ा आदमी पंचायत में चला जाया करे। तो उस पंचायत में उसने जाके देखा एक बूढ़ा बाबू अपनी बेटी का पाया मना खेडका टेक रहा था, पगड़ी टेक रहा, रोन लाग रहा। अरने को ये बेटी तने यू काम कर तो दिया, वह छोरी लोगो गैर जात में ब्याह कर रही थी और पंचायत थी कुणबा उसने लेन जा रहा था, पर वह छोरी मान्य नहीं थी। ये लव मैरिज की बीमारी इतनी बूंदी है लोगों, बहुत बुरी चल रही है आजकल। तो इसके ऊपर दो चार टूटे फूटे बोल लग रहा कि अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो अपना छोटा बेटा मानेगा भाई माफी दे दियो। मैं इतना बड़ा गाना वाला नहीं हूं पर कोशिश करूंगा छोटी मोटी। भाई उस्ताद जी करनी दे, कम तक हम अपने जायद का तो देख लेती। तू इस गल ब्याह करेगी मैं क्यूकर तो गांव में जाऊंगा, क्यूकर भाईचारे ने मुंह दिखाऊंगा, कम तक हम अपनी जायद का तो लेंदी। बोला ना बाबू ब्याह करूंगी तो इस गल करूंगी, वह छोरी माननी नहीं लोगो, उसने तने तड़ा लिया बुढ़ा ने बेचारे ने, पर वह माननी नहीं लोगो। ये नौजवान बालक भी है भाई, कुछ भी करो जिंदगी में, कि मैं भी खाओ कमाओ की साय ओडा पर हो, पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिंदगी में। अपना माँ बाप बेचारा समाज में मुंह दिखाने का नहीं रहे, इसी कोई भी शादी नहीं होती। और ये लव मैरिज वाले सब ने मेरा है एक साल पत्थर रोंदे अंडे अग्रे, और वह छोरी गैर जात में ब्याह करी थी। क्या बताया जो गैर जात में ब्याह कर रहा है कैसे रे भाई के नहीं दिया। जात में पर कैसा दी
इसी बेटी भी होवे जड़ा माँ बाप ब्याह कर रहे हैं, माँ बाप की मान्य है, अपने परिवार की मान्य है, उस बेटी का बाबू क्यों कर समाज में रहे हैं। और जिस बेटी जो बेटी गैर जात में ब्याह कर अपने माँ बाप का नाम खराब करके जा उसका बाप क्यों कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे जो बेटी अपने बाप का कह दे अपने परिवार का कह दे शादी कर रहे हैं उसका बाबू समाज में क्यों कर उठे बैठे हैं, उसकी चौधर क्यों कर हुए है, कितना सुतरा काम लगे है क्या बता बोला दो नंबर पे। ओ भाई ये बता क्या रबोती सुखते जिंदगी बस ले भाईचार्य में पी के होगा बैठक के मैं हंस ले बैठक के मैं हंस ले ए रजिस बाबू की बेटी अच्छी जिस बाबू की बेटी अच्छी सुखते जिंदगी बस ले भाईचार्य में पी के होगा बैठक के महसले ये घर घर कैसे हो रे मसले ये रे 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 घर घर के हो रे मसले की बेटी से साहब जी आप तो पुलिस में हो आप पे कुछ समझा दो आप दाब ला दो चाहे पीछे ले लो चाहे मेरा किला बेच के दू मैं पीछे दे दू अपनी छोरी ने मनाने क्यों क्रिया मना दे
लोगो थानेदार भी नहीं बोले भाई ये दो जोड़े हाथ इतना बूंदा कानून बना रखा, इतना गंदा कानून बना रखा, हमारी पार को नहीं बसाओ, मन्ने सस्पेंड करा देगी, मेरे ऊपर केस लुआ देगी या। तो वो थानेदार भी बेचारा उसकी बसाई नहीं, आखिर में वो थानेदार भी ये सारा सौदा देकर बेचारा रोन लग गया, थानेदार की भी नहीं बसांदी। अरे एक चीज और देखी होगी लोगों, इस केस में ब्याह कर देगी साथ, ये न्यू देखा करे छोरा वाला का न्या और छोरी वाला का न्या भी सरकारी नौकरी में कुण कुण है, वो बेचारे मन मन फौज में ड्यूटी में सारे लिखवा देंगे। यह सच्ची कहानी है, सरकारी वाले ने पहले लिखवाओगे कि सस्पेंड कराओ, अब नहीं तो घना खतरा है। तो हर एक बात और बताऊंगा लोगों को, लास्ट में बताऊंगा कि ईसा केस जब किसी की गेल भी बन जाए, किसी आदमी की गेल बन जाए, तो हमारा समाज आजकल इतना काम मिल रहा है, इतने अच्छे आदमी हो रहे हैं कि उसके स्वाद लेने शुरू कर दे, उसका बेचारा गाल में लकड़ना जीना मौत कर दे, गांव में बैठना बंद कर देंगे, उन्हें लास्ट में फांसी खानी पड़ जाए बेचारा। तो लोगों सरकारी आदमी एक थानेदार की भी नहीं बसाई, थानेदार के ऊपर क्या बता बोला तीन नंबर भाई, ये बता दिया भाई, ये बात आजकल कवारी में, आजकल कवारी में ये केस लगाते सरकारी पे, हेरे रे 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 रे, केस लगाते सरकारी पे, नदी बेटी से काबू की लव मैरिज का पर बहाना, पगड़ी उछाड़ बापू की, पगड़ी उछाड़ बापू की, कि जब वो लास्ट में वो बुड्ढा वो बेचारा पर कुछ भी नहीं बनी, कुछ भी कोई समाधान नहीं, लेकिन अपना भाईचारा दौरा चलेगा, अपने बड्डे छोटे दौरे उगा भाईचारा बोलिया बोला भाई के मेरा बूढ़ा आदमी बूढ़ा बालक के मेरा किसके पैदा हो जा, तू दिक्कत ना ले हम त्री गेल ली हाँ। वो बूढ़ा रोंदा रोंदा बोलिया बोला भाई गांव में ना फलाना आदमी तुमने नहीं बेरा होगा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर आज मेरी गल भगवान ने इसी बात बना दी कि इतनी बुरी कार तो जो मरा सबसे बड़ा गांव में दुश्मन है उसकी गेली भी ना बनी हो। लोगों ये सुनने की बात है कि जब इंसान पैसली बखत पड़े है ना, वो दुश्मनाई धन दौलत सब कुछ भूल जाए है, सिर्फ ऊपर वाला एक पी परमात्मा याद रहे। लोगो क्या बता ला गया लास्ट में, ये
मन की भी छोरी ना ले नाप बाप की केटी का नाप बाप की केटी का ए रमिता परोता सुन लो लोगो रमिता परोता सुन लो लोगो बाबू से एक बेटी का दुश्मन की भी छोरी ना ले नाप बाप की बेटी का नाप बाप की बेटी का ये रखे कर ले किस्मत ले टीका हेरे रे रे हेरे रे रे हेरे रे रे कर ले किस्मत ले टीका नदी बेटी से काबू की लो मेरी पर बहाना पगड़ी उछाड़ बापू की कलयुग के मैं सुन लो भाइयो मदी बेटी से काबू की बहाना पगड़ी छाड़ बापू की पगड़ी छाड़ बापू की जोरदार ताली से मान सम्मान कीजिए।